पानी अधिक गिरने से सोयाबीन की फसल बांझ हो जाने को लेकर उचित मुआवजे के लिए देवला विहार गांव के किसानों ने तहसील कार्यालय गुलाना पहुंचकर तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें देवला विहार गांव के और आसपास के क्षेत्र के करीब 250 से अधिक किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग मुआवजे के लिए रखी। किसानों का कहना है कि इस तरह हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है और अगर सरकार हमारी सुध नहीं लेती है तो हम बड़ी विपदा में आ जाएंगे और हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्राम देवला विहार हल्का नंबर 30 हमारा पटवारी हल्का नंबर है, उसमें विगत 20-25 दिनों की जो लगातार बारिश हुई है वो प्रकृति के प्रकोप से हमारी सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति बन गई है। सभी किसान आर्थिक रूप से परेशान हैं। इस हेतु हम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पूरे देवला विहार के सब कृषकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो आए हैं आप यहाँ? करीब करीब मैंने सब गांव का सर्वे किया है, सभी गांव अफलन की शिकायत है। करीब करीब मालवांचल में, पूरे मालवांचल में करीब करीब शिकायत है, पर हमारे गांव में कुछ ज्यादा एक भी फली वाली कुछ भी नहीं है, फूल भी नहीं है और 2.5 महीने की फसल हो गई। इसमें ऐसी स्थिति का कोई आने वाला तो है नहीं। इसमें फल आपने अवगत कराया किसी अधिकारी को? ये अभी तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है और अवगत कराया है।